के सर्वाधिक सुरक्षा के सभी नियमों का सर्वाधिक। तो बाबा की नगरी देवघर में हम लोग का आगमन हो चुका है और बाबा की नगरी में हमें होस्ट कर रहे हैं आज अपने प्यारे निखिल बाबा। तो गाइज अगर आप कभी भी आ रहे हो देवघर और किसी को भी होटल रूम और मंदिर में दर्शन करके जल्दी जल्दी चाहिए तो किसी और से नहीं, बस इनसे कांटेक्ट करना है, निखिल बाबा से। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, बिल्कुल डाला हुआ है, नंबर एड्रेस सब छोड़ दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आओ तो आप यहाँ पे आके इनको एक बार मिल जाओ। अभी हमें ये होटल मिला, होटल कमलेश्वर, फुली एसी रूम है विद पार्किंग, तो बाइकर्स को कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाइकर्स जब भी आएंगे तो उनको यहाँ पे बाइक पार्किंग भी मिल जाएगी। ये अजीत अविनाश सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मंदिर से 5 मिनट का रास्ते में मेरा घर है और मंदिर के नियर वाइज में ही ये सारा होटल है। देख लो जी, ये भी फायदा है कि मंदिर आपको इधर है, 5 मिनट के रास्ते पे है और यहाँ होटल है, इनका घर भी पास में है, तो बड़ी जल्दी आप लोग यहाँ पे आके दर्शन करके जा सकते हैं। गुड इवनिंग गाइस, आ चुके हैं होटल, हम लोग होटल से अब जा रहे हैं मंदिर बाबा के द्वार पे। सो अब होटल से शाम को जल्दी जल्दी फ्रेश अप होके निकल रहे हैं, चलेंगे मंदिर की ओर, जा रहे हैं शाम का दर्शन करने बाबा की नगरी। शाम को जाकर देखेंगे मंदिर का कैसा होता है नज़ारा, कैसा होता है सिनेरियो। तो बस निकल पड़े हैं, वो जा रहे हैं निखिल, अजीत और अविनाश, हम लोग जा रहे हैं यहाँ बाबा शिवलिंग का नज़ारा करने। शाम के वक्त कैसा दिखता है मंदिर, कैसी मतलब उसकी रौनक है, वो कैप्चर करके कोशिश करेंगे दिखाने का। ऐसे ज़्यादा कैमरा अलाउड है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि सबको दिख जाए, क्योंकि निखिल मंदिर के ही ट्रस्टी में से एक है, तो मतलब उसका भी थोड़ा अच्छे से है जान पहचान। हमारी बाइक से यहाँ पार्क हुई है, अविनाश ने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क किया है। इस होटल में पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे पार्किंग चल रही है और बाकी बाइक उधर खड़ी है हमारी। सो बाहर आ चुके हैं सारे खाली पैर, जा रहे हैं बाबा की नगरी, देखते हैं शाम को मंदिर का नज़ारा। निखिल भी साथ में जा रहा है, निखिल गया है चप्पल उतारने को, उतार के पहुंच गया चप्पल, अब ये भी हमारे साथ खाली पैर आ रहा है। अब सारे हम लोग चलेंगे यहाँ, ये मार्केट का नज़ारा कुछ आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है मार्केट यहाँ का। जाएंगे, ये मार्केट को बोला जाता है SB राय रोड और यहाँ से जो है मंदिर का पूरब दरवाज़ा आता है। यहाँ से आप थोड़ी देर आगे जाओगे, 5 मिनट के रास्ते में आपको यहाँ से राइट मुड़ोगे तो पूरब दरवाज़ा पहुँच जाओगे और आप सीधे जाओगे तो आप टावर चौक पहुँच जाओगे जो कि देवघर का मेन चौक है, और उससे आगे बढ़ोगे तो आप पहुँच जाओगे जसीडी, फिर उसके आगे पहुँच जाओगे पटना। वाह, तो इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया निखिल भाई ने। जिनको भी प्रॉब्लम होगी, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद कोई शक रह जाएगा कि किधर से आना और किधर को जाना है, इसीलिए हम लोग पूरा कैप्चर करते हुए चलते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिखे कि किधर से आना है, किधर को जाना है और नज़ारे कैसे होते हैं। आज बारिश हुई है, बाबा नगरी आओ और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सावन का महीना है, बारिश हो चुकी है, उससे पहले यहाँ बोलबम का ड्रेस दिखना स्टार्ट हो गया। उस समय पूरी नगरी भगवा रंग से फगवा ड्रेस में पूरा चेंज हो जाती है। ये मार्केट है यहाँ का, अभी रौनक है क्योंकि शाम को मंदिर होते हैं, करीब करीब 9-10 बजे के करीब बंद होते हैं, तो लोकल्स जो हैं वो भी पूजा करके आना जाना चालू ही रहता है उनका। खुशबू आ रही है अच्छे अच्छे पकवानों की, जैसा कि आप देख सकते हैं चाट पकौड़े बन रहे हैं इधर इधर देख लो देवघर में ये देखो यहाँ पे मिलता है दही रबड़ी, यहाँ अच्छा पे फेमस दुकान है देवघर का, दही रबड़ी। हाँ ओके, जब आप राइड करके आओ थक जाओ, जब खुशबू आती है ना खाने की तो उसका मजा। पहले करेंगे बाबा का दर्शन फिर करेंगे पेट पूजा, पहले बाबा का पूजा फिर पेट पूजा, पहले बाबा का पूजा फिर करेंगे पेट पूजा। है मंदिर का चौराहा है, यहाँ से राइट लेंगे जिधर से आप देख रहे हो गाड़ी सवार है, ये सीधे चले जाएगा घंटा घर। ओके, और यहाँ से राइट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे मंदिर। अच्छा जी, ये राइट ले लिया हमने, ये राइट जा रहा है मंदिर की पराठा गली, आप कभी भी कहीं भी भूल जाओ। हाँ जी दिख रही है बड़े बड़े पराठे आप कहीं भी अगर गुम हो जाओ तो आप मतलब बोलना कहीं भी कोई भी पराठे वाली गली मुझे जाना है मंदिर के पास, तो यहाँ पे आपको वाह छोड़ दिया। जब
चॉप यहाँ का फेमस है। ये आलू चॉप यहाँ का बहुत फेमस। सुबह यहाँ भीड़ लगता है नाश्ते के लिए, बहुत खतरनाक वाला। हम भी करेंगे सुबह को नाश्ता एकदम एकदम। आरती की आवाज आ रही है मंदिर की तरफ से, तो मिलते हैं डायरेक्ट आपसे मंदिर में। ये मंदिर का रोड है, फिर डायरेक्ट आपसे मंदिर में मिलते हैं, ताकि हम लोग को भी जल्दी जाना है, आरती खत्म नहीं हो जाए, थोड़ा आरती का भी व्यू ले लें। चलो जी, ये है यहाँ का पूरब दरवाजा। अभी आरती हो रही है, पूरब द्वार की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ पूरब द्वार, यहाँ से हम अब अंदर की ओर जा रहे हैं और मंदिर के ऊपर हम लोग एंट्री मार रहे हैं इधर से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। मिक बाबा पहले ही अंदर जाकर बैठ चुके हैं और ये है मंदिर। मिक बाबा पहले से यहाँ पे। नगरी में आपका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बाबा की नगरी, बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी, पावन नगरी में आप लोगों का स्वागत है। मेरे साथ यूडी भाई के साथ और टाइगर भाई के साथ। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर पे, दर्शन करेंगे श्रृंगार पूजा का दर्शन। और आप लोगों को यहाँ पे 22 मंदिर है, 22 मंदिर का भी आप लोगों को व्यू दिखाना चाहेंगे, दर्शन कराएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। बिल्कुल। तो ये गाइस मंदिर, जैसा आप देख रहे हैं, ये है अपना फेमस बैजनाथ धाम का मंदिर, बाबा धाम का मंदिर। इतना खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये यहाँ पे अभी आरती चल रही है, जैसा कि देख रहे हैं भीड़ देख लीजिए, पूरी भीड़ हो रखी है मंदिर के अंदर। बाबा सर्वाधिक सुरक्षा घेरे में रहने वाले लोग हैं, इसलिए सुरक्षा के सभी नियमों का हम लोग का दर्शन जितनी जल्दी हो सके करवा दे रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट इनकी इनकी वजह से हम लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से जा रहे हैं दर्शन की तरफ। यहाँ पे लाइन है, ये लाइन से अभी गुजरते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अभी बाबा मंदिर के अंदर जाएंगे श्रृंगार पूजा के लिए। तो ये है मेन लाइन, अभी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है यहाँ ऊपर से। अब बैक कैमरा करके दिखा, कोई लाइन पे जा रहा है और अभी हम लोग भी यही लाइन पे जाएंगे। हम लोग भी इसी लाइन से जाएंगे बोल बोल। और अभी हम लोग भी यही लाइन में लग के अंदर जाएंगे। चलिए चलते हैं लाइन में लगने के लिए। जब सावन जब आता है तो बैक कैमरा भी है, जब सावन का लाइन होता है तो इसके अंदर, ये हॉल के अंदर में सिर्फ 20 से 50 हज़ार आदमी का लाइन लगा हुआ था। और उसके बाद भी सिटी के अंदर में, सिटी से गुजरते गुजरते सीधे जसीडी तरफ जाता है, वहाँ पे कम से कम वहाँ तक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा लाइन सिटी के अंदर से। मतलब कि एक एक दिन में ना 5-5 लाख आदमी, एक दिन में 5-5 लाख सिर्फ सावन। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड होता है, ओवर क्राउडेड है। अब हम जा रहे हैं बाबा की तरफ, बाबा के लिए लाइन लगाने, बाबा की तरफ जाने वाले हैं। हाँ जी निखिल जी बताइए। पहले चलते हैं, आप लोग श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, फिर आप लोगों को हम यहाँ के डिटेल के बारे में, यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ भोलेनाथ, स्थापित हुए यहाँ पे कैसे, और वगैरह वगैरह, कितने कौन कौन से मंदिर हैं, सब कुछ बाद में बताएंगे, पहले कर लेते हैं भोलेनाथ। बिल्कुल, पहले करते हैं दर्शन। तो यहाँ तक, यहाँ के लिए अभी हमें आए थे सी ऑफ करने, अब हम लोग इनसे मिलेंगे बाहर। आपको आगे बढ़ जाओगे फिर हम वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन है जिस लाइन में हम लोग लगने वाले हैं, यहाँ से ये लाइन होकर घूम कर जाएगी और फिर हम लोग पहुँचेंगे बाबा के श्रृंगार को। लाइन वहाँ तक है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लाइन उधर तक जानी है। अभी हम इस साइड खड़े, अभी हमें उस साइड जाना है, बहुत ही लंबी लाइन है। अभी तो कुछ भी नहीं है, जबकि सावन के पीक टाइम पे यहाँ पे
एक दिन में 5-5 लाख लोग आते हैं। हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं, जब तक बाहर है तब तक हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मे भी अगर हमें शूट करने का मौका मिला अंदर तो अंदर भी शूट करेंगे, नहीं हो पाया तो लेट्स सी बाबा क्या चाहते हैं, अगर हो गया तो अंदर भी वीडियो बन जाएगी, नहीं हुआ तो वीडियो यहीं तक ख़त्म रहेगी। थोड़ा बहुत दर्शन करा के निकलते चलेंगे, तब तक के लिए सी या स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो गाइस। बोल बम के नारे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम नारे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर के पास आते जा रहे हैं, कुछ देर के बाद शायद फोन अलाउड नहीं होगा। फाइनली बाबा के दर्शन हो गए, आशीर्वाद इसको मिल गया, आशीर्वाद इसने उठा लिया। ऐसा नहीं है कि बाबा का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला है, ऐसे तो हम भी नहीं है कि बाबा के बिना आशीर्वाद के आ जाए। हाँ जी, सो ऑल कंप्लीटेड फॉर द इवनिंग। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें घूमेंगे आप पूरा बाबा धाम नगरी का हर एक मंदिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लव गाइज़।